मिसबा, आपके पास आऊँगा। मोहम्मद सिराज ने जहां एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की बैटिंग को छोड़ा था, आज लगता है वहीं से ही पिक्ड अप अगेन। हाउ गुड वाज ही टुडे? आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए, क्योंकि अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखें कि फुलर लेंथ है और आपको खेलना ही है उस बॉल को, और अगर वो स्विंग हो रहा है बॉल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना उसको। यही वजह है कि एशिया कप के फाइनल में भी जब बॉल स्विंग हुआ है, ये बॉल बीट हुआ है, ऐसी लेंथ है कि विकेटों को लगा बॉल। बुमराह इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे उनको उतनी विकटें नहीं मिल रही। एक तो वो बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती, और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंडसेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको विकटें कम मिल रही हैं, इसे ज़्यादा आउट कर रहा है। शुएब, आपके पास आऊँगा। एक और वाइटल कॉग ऑफ दिस इंडियन बॉलिंग अटैक इज़ जसप्रीत बुमराह। इवन दो विकेट आज एक ली, बट व्हाट अ स्पेल। आई थिंक पहले ना हम पावर प्ले से शुरू करते हैं। सो फार उनकी 10 विकटें इन द पावर प्ले विद द एवरेज ऑफ 18.70 और इकोनॉमी सबसे मज़े की बात है 2.87। बुमराह जो हैं वो पावर प्ले में जब आते हैं, ही स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। मिडल ओवर्स में आते हैं, उनका रिवर्स जो है वो बहुत अच्छा हो रहा था। ये पावर प्ले में देखे, पहला ही बॉल ऐसा बॉल था, अनप्लेएबल था, जैसे मिसबा भाई ने कहा, और ये ऐसा बॉल था कि जो बीट हो गए। जो मिसबा भाई ने कहा कि अनप्लेएबल हो जाता है तो बैटर जो है वो बीट हो जाता है। तो इनकी क्वालिटी ये है कि इनको आप किसी भी सिचुएशन में लेके आएँ, ये हैंडी है टीम के लिए। इनको आप नए बॉल से लेके आएँ, इनको आप मिडल ओवर्स में थोड़े जो सेमी न्यू बॉल होता है उससे लेके आएँ, फिर आप डेथ ओवर्स में इनको लेके आएँ। यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा है, और ऐसा बॉलर अगर आपकी टीम में है और फॉर्म में है तो आई गेस एज अ कैप्टन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट योर बॉलिंग पीरियड। आउट ऑफ फॉर्म आज तक कभी नजर नहीं आया हमेशा फॉर्म ही चलती है इनकी। नहीं थे जब इंजर्ड थे, जब इंजर्ड बट आप बुमराह को देखें कि वो इंजरी से अभी रिसेंटली ही वापस आए और आते साथ बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज जो बहुत अच्छी की हैं उन्होंने। इंजरी तो देखिए, इंजरी किसी को भी हो सकती है, और इंजरी जो है, जो आपके साथ काम कर रहा है आपके रिहैब पे, या जब आपको इंजरी हुई थी जो फिजियो है उसके साथ एज अ प्लेयर आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और उसके साथ साथ अपनी ज़ात के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है कि आया आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं एंड यू आर कम्प्लीटली फिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इंजरी से पहले और इंजरी के बाद कोई फ़र्क उनमें आया है। ही सेम ओल्ड बुमराह जो इंजरी से पहले थे, मुझे लग रहा है कि अब और बेहतर हो गए हैं।